नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान वुमेन के बीच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, पहले बल्लेबाजी कर रहा है साउथ अफ्रीका वुमेन। 20 ओवर का मैच है T20, दूसरा T20 मुकाबला, पहला मुकाबला आज खेला जा रहा है वुमेन के बीच। दोस्तों लोरा और ताजमिन ब्रिट्स दोनों बल्लेबाजी करने उतरे आज मैदान में। 44 की पारी खेली आज लोरा ने, 38 गेंदों में सामना किया और 44 बना के नॉट आउट। नशरू संधु गेंद पे यहाँ पे बोल्ड हुए टोरा, 6 चौके आए थे बल्ले से, 115.78 थे स्ट्राइक रेट। ताजमिन ब्रिट्स 39 की पारी खेली, उन्होंने आज 38 गेंदों में 39 बनाए, 4 चौके चक्के आए थे बल्ले से, 102 रन की थी स्ट्राइक रेट। एक्स्ट्रा विकेट दो रन, 85 पे पहला विकेट गिरा। अभी तक 13 ओवर की पारी हो चुकी है, यहाँ पे समाप्त 6 की आ रही है प्रति ओवर 100। पुकारा बहुत ही शानदार खूबसूरत खेला गया है वुमेन के बीच, साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन के बीच मुकाबला आज का पहला T20 मुकाबला। पाकिस्तान ने टॉस जीते हुए पहले बॉलिंग का फैसला किया और 85 पहला विकेट लेफ्ट बैटिंग सुनलो जापता आईबोंग खाका अनेका बोसेस नदिंदर क्लर्क मार्जन कैप मास्पदा क्लास नॉनप्ले केरो मलबा डेलमी टुका दो बल्लेबाजी करेंगे। अभी परफॉर्म दिखाएंगे अपना इस मैच में साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों T20 मुकाबला आज का शुरू हो चुका है, साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की है यहाँ पे और यहाँ पे दोस्तों 85 का दिया है ये 12 ओवर में टारगेट, एक विकेट गिरा है अभी तक इस मैच में। बहुत ही मुकाबला बहुत ही शानदार खूबसूरत खेला गया है दोस्तों, यहाँ पे 6 चौके लगाए हैं आज इस मैच में लोरा ने। 38 गेंदों का सामना करते हुए 44 रन की पारी खेली है कैप्टन आज, वह हमें नशरू संधु गेंद पे बोल्ड हुए। ताजमिन ब्रिट्स बल्लेबाजी करने उतरे, 39 की पारी खेली ली और नॉट आउट है बल्लेबाजी करने के लिए। मौजूद अभी 38 की गेंदों में 39 रन बना चुके हैं, 4 चौके एक चक्का लगा चुके हैं इस मैच में, 102 की रही उनकी स्ट्राइक रेट। दोस्तों बात करेंगे अभी किस तरह परफॉर्म रहा है यहाँ पर पाकिस्तान की बल्लेबाजी बॉलिंग किस तरह रही इस मैच में। पाकिस्तान के बॉलर्स का परफॉर्म देखने के लायक बात यह होगी कि पाकिस्तान की बॉलिंग किस तरह रही इस मैच में। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका बीच का मुकाबला आज का है वुमन T20 मुकाबला। दोस्तों 85 पहला विकेट लोरा गिरा था 13 की चौथी गेंद पे। बॉलिंग की बात करेंगे, फातिमा शाना 2 डाले हैं, 19 रन दिए, 9.85 की इकोनॉमी रही उनकी। डैना बेग 2 डाले 13 रन दिए, 6.85 इकोनॉमी रही है उनकी। सदीक इकबाल की बात करेंगे, यहाँ पे 3 ओवर डाले हैं 16 रन देखिए, यहाँ पर 5.33 इकोनॉमी रही है उनकी इस मैच में। नेदर देव की बात करेंगे 2 डाले 19 रन दिए, 9.85 की इकोनॉमी रही। नशरू संधु की बात करें, यहाँ पर 3 ओवर में 8 रन देखे, ये विकेट मिला अभी तक संधु को, 3 की इकोनॉमी रही है। दोस्तों यहाँ पर 3 ओवर प्रति ओवर 3 रन आए हैं, अच्छा परफॉर्म संधु द्वारा, एक विकेट भी लिया उन्होंने, बड़ा विकेट चटकाया आज कैप्टन का। शायदा आरूप शाह की बात करें, एक ओवर 9 रन देखे, एक विकेट नहीं मिला, खाली लौटना पड़ा, 9 की इकोनॉमी रही उनकी। पाकिस्तान वुमेन टीम की बात करें तो सिदरा अमीन सावला जुल्फिकर बिस्मा मरूफ निजादर कैप्टन मुनिबा अली आलिया रियाज फातिमा साना शाहिद अरूप शाह डायन बेग नशरू संधु सादिया इकबाल बल्लेबाजी करने अपना परफॉर्म दिखाना इस मैच में दिखाएगा। T20 मुकाबला पाकिस्तान वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच का मुकाबला आज का है, पहला T20 मुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान ने टॉस जीते हुए पहले बॉलिंग का फैसला किया, पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने विकेट गंवाया, अभी तक 13 ओवर की पारी हो चुकी है और 85 रन बने हैं। दोस्तों 7 ओवर बाकी है और ऐसे टारगेट रात से ग्रेनेड है तो 120-130 तक टारगेट जा सकता है साउथ अफ्रीका टीम का। पाकिस्तान के लिए और अभी आसान हो सकती रहा है, क्या स्कोर कम ही दिया है पाकिस्तान सामने साउथ अफ्रीका टीम। सब पाकिस्तान वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन का पहला T20 मुकाबला जो कि आज का स्टार हो चुका है। दोस्तों एक विकेट गिरा है 85 पे, पहला भी गिरा था लोरा का पूरा बॉल बैट 13 की चौथी गेंद पे अपना परफॉर्म दिखाते हैं, विकेट गिरा। और दोस्तों अगर बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन टीम की परफॉर्म किस तरह है, आप बैटिंग का तो दोस्तों बोलने की बात की थी, फातिमा साना रियान बेग सदिया इकबाल निरदर शनशरू संधु शाहिदा अरब शाह, यहाँ पे इन्होंने वो डाले हैं 2 डाले थे शाना ने, 19 रन दिए, 9.85 की इकोनॉमी रही उनकी। रीना बेग की बात करें 2 डाले 13 रन देखे, 6.85 इकोनॉमी रही है। सादिया इकबाल की बात की थी 3 ओवर डाले 16 रन देखे, कोई विकेट मिला उनको इस मैच में। दर निदा दर की बात करेंगे 2 डाले 19 रन दिए, 9.85 इकोनॉमी रही। नशरू संधु 203 ओवर में 8 रन देखे, यहाँ पे एक विकेट मिला उनको, 3 की इकोनॉमी रही इस मैच में। सैदा अरूप शाह दोस्तों 1 ओवर में 9 रन देखे, 9 की इकोनॉमी रही यहाँ पे। दोस्तों मुकाबला बहुत ही शानदार खूबसूरत खेला गया, यहाँ पे परफॉर्म बहुत अच्छा रहा दिखाया यहाँ पे।
पाकिस्तान वुमेन वर्सेस साउथ के वुमेन के बीच का मुकाबला, पहले टी ट्वेंटी मुकाबला जो खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले टू जीता है, यहाँ पे बॉलिंग का फैसला करते हुए, यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 85 में पहला विकेट गवा चुके हैं। अभी तक बड़ा विकेट गिरा है, दोनों बल्लेबाज फॉर्म में लग रहे थे। लोरा का अच्छा परफॉर्म दिखा है, यहाँ पे अपना परफॉर्म दिखाते हुए यहाँ पे छः चौके जड़ रहे थे इस मैच में। बहुत ही अच्छी पारी खेली थी आज इन्होंने इस मैच में, लिया उन्होंने बड़ा विकेट चटकाया आज कैप्टन का। शायद आरूप शाह की बात करें, एक ओवर 9 रन देके एक विकेट नहीं मिला, खाली लौटना पड़ा, 9 की इकोनॉमी उनकी। पाकिस्तान वुमेन टीम की बात करें तो सिदरा अमीन, सावला, जुल्फिकर, बिस्मा मरूफ, निजादत कैप्टन, मुनिबा अली, आलिया रियाज, फातिमा साना, शायद अरूप शाह, डायन बेग, हसरू संधु, सादिया इकबाल बल्लेबाजी करने अपना परफॉर्म दिखाना इस मैच में दिखाई गया। टी20 मुकाबला पाकिस्तान वुमेन वर्सेज साउथ में वुमेन के बीच का मुकाबला आज का है, पहला टी20 मुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान ने टॉस जीते हुए पहले बॉलिंग का फैसला किया, पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने विकेट गवाया। अभी तक 13 ओवर की पारी हो चुकी है और 85 रन बने हैं। दोस्तों 7 ओवर बाकी है और ऐसे टारगेट रात से ग्रेनेड है तो 120-130 तक टारगेट जा सकता है साउथ अफ्रीका टीम का। पाकिस्तान के लिए और अभी आसान हो सकती रहा है क्या, स्कोर कम ही दिया है पाकिस्तान सामने साउथ अफ्रीका टीम। सब पाकिस्तान वुमेन वर्सेज साउथ अफ्रीका वुमेन का पहला टी20 मुकाबला जो कि आज का स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों एक विकेट गिरा है 85 पे, पहला भी गिरा था लोरा का। लोरा बॉल बैट 13 की चौथी गेंद पे अपना परफॉर्म दिखाते हैं, विकेट गिरा। और दोस्तों अगर बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन टीम की परफॉर्म किस तरह है, आप बैटिंग का तो दोस्तों बोलने की बात की थी, फातिमा साना, रियान बेग, सदिया इकबाल, निरदर, शरू संधु, शाहिद अरब शाह, यहाँ पे इन्होंने वो डाले हैं, 2 डाले थे शाना ने, 19 रन दिए, 9.50 की इकोनॉमी उनकी। रीना बेग की बात करें, 2 डाले, 13 रन देखे, 6.50 की इकोनॉमी है। सादिया इकबाल की बात की थी, 3 ओवर डाले, 16 रन देखे, कोई विकेट मिला उनको इस मैच में। दर निदा दर की बात करेंगे, 2 डाले, 19 रन दिए, 9.50 की इकोनॉमी। नशर संधु 203 ओवर में 8 रन देखे, यहाँ पे एक विकेट मिला उनको, 3 की इकोनॉमी इस मैच में। सैदा अरूप शाह दोस्तों 1 ओवर में 9 रन देखे, 9 की इकोनॉमी रही यहाँ पे। दोस्तों मुकाबला बहुत ही शानदार और खूबसूरत खेला गया, यहाँ पे परफॉर्म बहुत अच्छा रहा दिखा यहाँ पे। पाकिस्तान वुमेन वर्सेस साउथ के वुमेन के बीच का मुकाबला, पहले टी20 मुकाबला जो खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले टू जीता है, यहाँ पे बॉलिंग का फैसला करते हुए, यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 85 में पहला विकेट गवा चुके हैं। अभी तक बड़ा विकेट गिरा है, दोनों बल्लेबाज फॉर्म में लग रहे थे। लोरा का अच्छा परफॉर्म दिखा है, यहाँ पे अपना परफॉर्म दिखाते हुए यहाँ पे छः चौके जड़ रहे थे इस मैच में। बहुत ही अच्छी पारी खेली थी आज इन्होंने इस मैच में।